राज बाबा सिर्फ एक अंडर 19 का चैंपियन खिलाड़ी नहीं, होनार खिलाड़ी नहीं, लोकल बॉय, फ्यूचर एक बहुत बड़ा पोस्टर बॉय हो सकता है। अब चलते नेक्स्ट टीम पंजाब के पास। पंजाब की टीम मुझे लगता है खासकर तो, और मुझे लगता है तमाम एक्सपर्ट भी, हम लोग लगातार पूरे दिन बात कर रहे हैं, इस टीम ने कप्तानी के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो शानदार टीम चुनी है। ऑलराउंडर अगर आप देखा जाए तो हमारी स्क्रीन को तोड़कर निकल रहे हैं इतने सारे खिलाड़ी। वेरी फ्यू पीपल नो दैट राज बाबा सेंसेशनल, ही वाज अंडर 19 वर्ल्ड कप में। क्या कहेंगे पंजाब के लिए, राज बाबा सिर्फ एक अंडर 19 का चैंपियन खिलाड़ी नहीं, होनार खिलाड़ी नहीं, लोकल बॉय, फ्यूचर एक बहुत बड़ा पोस्टर बॉय हो सकता है। वीआरबी जी देखिए, अंडर 19 में अच्छा स्टार्ट मिला डेफिनेटली, वो उनके पास हैं चीजें की गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, बट डेफिनेटली अंडर 19 से जब आप आते हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आईपीएल जैसे इंटरनेशनल स्टेटस में आते हैं तो और आपको सीखना पड़ता है, जल्दी सीखना पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट होगा, टैलेंट जरूर है, प्रदर्शन करके आए। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रेशर पड़ता है जब आप ऊपर के स्तर के क्रिकेट में जाते हो, तो प्रेशर हैंडलिंग अगर बेटर करेंगे तो डेफिनेटली, अगर 2 करोड़ में खरीदा है पंजाब ने तो डेफिनेटली उनमें वो है, दम है। और देखिए साथ ही साथ एक नाम आप और बोल रहे, ऋषि धवन, उनका भी 4 साल बाद कमबैक हुआ है, तो वो भी एक डोमेस्टिक सीजन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो हम पंजाब की लाइनअप देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ जो बात कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपकी लिस्ट तो बहुत लंबी है पर रबाडा और अर्शदीप को छोड़ के एक्सपीरियंस कम दिखना चाहिए। शार्क बॉलर है, संदीप शर्मा अच्छे स्विंग बॉलर हैं पर उनको वो कंडीशन चाहिए होती है थोड़ी सी उस तरीके की, तो मेरे ख्याल से बहुत बैलेंस साइड बनाई जरूर है। एक नए पंजाब के फास्ट बॉलर बल्तेज लेके आए, काफी सालों से खेलते आ रहे हैं, तो जरूर खुशी हुई कि इन्होंने अच्छे ऑक्शन में अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ कप्तानी का जो सा इनका मेरे ख्याल से आने वाले दिनों पता लग जाएगा कौन कप्तान होगा। नहीं काफी अच्छी ऑप्शन गई है, लेकिन बट जो आपके मुद्दे जो आप कर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। आप कप्तानी आपके पास नहीं है और कप्तान ऐसा स्ट्रांग नहीं है, आप बना सकते हैं मयंक अग्रवाल को बना सकते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, आपके पास आपको कोई ऑप्शन नहीं है, और कप्तान आपकी टीम को चलाता है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कप्तान। अगर आप चेन्नई की टीम को ऑप्शन में देखेंगे, और अब नहीं आप शुरुआत से देख लीजिए, अगर उनके पास एमएस धोनी नहीं होते उस टीम के पास, आप सिर्फ एक नाम हटा दीजिए, मुझे नहीं लगता वो एक बार भी चैंपियन होंगे। तो बहुत बड़ा हाथ होता है कप्तान का आपको चैंपियन बनाने के लिए। तेज गेंदबाजी में थोड़ी सी कमी जरूर है, और थोड़ी सी कमी मुझे लगता है स्पिनर्स, राहुल चहर आपके पास जरूर है लेकिन उनके साथ कौन देगा, क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल चलेगी गर्मियों के दिनों में मुझे लगता है पिचेस थोड़ा सा है ना स्पिनर्स को मदद करेंगे। बिस्ता जी आप कितना देंगे 10 में से पंजाब को? 7.5। मैं 8 दूंगा क्योंकि उनकी उन लोगों ने अच्छे पिक किए, लेकिन एक ही कमी है जैसे कि हम बताते हैं फास्ट बॉलिंग तो है लेकिन उनके कप्तानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बिस्ला ने कहा कोई भी टीम को चलाने में कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन लोग ने पहले ही देखना चाहिए था कि अगर जब केएल राहुल चले गए तो कौन कप्तानी करेगा, और एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन चाहिए कि जो कि टीम को, देखो क्या होता है ना फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं उनको भी मैनेज करना होता है, भले आप इंडियन प्लेयर को मैनेज, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स बहुत कभी कभी बहुत अलग टाइप के होते हैं, उनको मैनेज करना और लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखना गौतम गंभीर भी केकेआर का जब कैप्टन था तब वो चैंपियन हुए, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ना।